श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज जो विधान बताने जा रहा हूँ वो विधान तो आप सबके लिए नया होगा, लेकिन ये मंत्र आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि मंत्र, एक ही मंत्र का बहुत तरीके का प्रयोग होता है, विधान बदलते रहते हैं और मंत्र जो है वो अलग अलग होते जाते हैं। तो कश्मीरी तंत्र में, उद्दमारेश्वर तंत्र में, ठीक है, इन सब तंत्रों में अलग अलग मंत्रों के अलग अलग प्रयोग बताए गए हैं। उसी में एक मंत्र है जिसको गणपति सिद्धि मंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो गणपति सिद्धि मंत्र क्या है? गणपति सिद्धि मंत्र गणेश भगवान का वो मंत्र है जिससे आप अलग अलग समय काल में अलग अलग सिद्धियां या फिर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती है? आप जब शुरुआत में जब उसकी साधना शुरू करेंगे तो पहले एक सप्ताह में आपको शांति की प्राप्ति होती है। शांति की प्राप्ति होने का क्या अर्थ होता है? शांति की प्राप्ति होने का अर्थ होता है कि जो भी आपकी चिंताएं हैं, तो मनुष्य की चिंता किस तरह की होती है, चाहे तो आध्यात्मिक होती है, शैक्षणिक होती है या फिर पैसों की चिंता होती है, तो ये तीनों चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। जब आप इसको एक सप्ताह से और बढ़ करके निरंतर हर रोज आप 108 जाप करते हो, तो फिर आपको उत्तम बुद्धि की प्राप्ति होती है, मतलब कि आपको सरस्वती सिद्ध होती हैं, जिससे आपके जीवन में जो भी ऐसी कठिनाई है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उससे आप बाहर निकल जाते हैं। फिर इसी को जब आप एक महीने तक कंटिन्यू रखते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, मतलब आपके जीवन में धनागमन शुरू हो जाता है। और इसी तंत्र में ये बताया गया है कि अगर 6 माह तक आप इसको जाप करते रहें तो आप महाधनपति बनेंगे। तो उसी को मैंने आम भाषा में लिखा है कि आप करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन साधना जब आप करते हैं ना, तो उसमें 2-3 विषयों का ध्यान रखना चाहिए। क्या? एक तो जो आप मंत्र कर रहे हैं उस पर आपका अटूट विश्वास होना चाहिए कि जो मैं मंत्र दे रहा हूँ वो सिद्ध होगा। दूसरा, उस मंत्र पर भरोसा होना चाहिए। विश्वास और भरोसा दो अलग चीज़ है कि जिस अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए मैंने ये अनुष्ठान किया है वो फल मुझे प्राप्त होगा ही, और किसी भी तरीके का जो है इसमें रुकावट नहीं आएगा। जब हम कोई भी विधान करते हैं तो हमारे दिमाग में 100 सवाल होता है, वैसे सवाल ना करते हुए सीधे इनकी पूजा करनी चाहिए, इस मंत्र पर विश्वास रखते हुए कि 6 महीने में मैं धनपति होऊंगा, 1 सप्ताह में मुझे शांति मिलेगी सारे समस्याओं से, उसके बाद मुझे उत्तम बुद्धि की प्राप्ति होगी, 1 महीने में लक्ष्मी का आवागमन मेरे जीवन में शुरू हो जाएगा और 6 महीने में मैं धनाढ्य होऊंगा। मंत्र क्या है? मंत्र बहुत आसान है। मंत्र आप लोगों ने सुना होगा, ओम ग्लौम गम गणेशाय नमः। क्या है? ओम ग्लौम गम गणेशाय नमः। फिर से सुनिए, ओम ग्लौम गम गणेशाय नमः। अगर इसको जो मैं आगे विधान बताने वाला हूँ उसके साथ आप नहीं भी करते हैं तो सिर्फ इस मंत्र को भी जाप कीजिएगा अपने पूजा में। जब आप निजदिन की पूजा करते हैं तब भी गुरु का ध्यान करते हैं, गणपति का ध्यान करते हैं, नवग्रह का ध्यान करते हैं, उसमें भी ओम ग्लौम गम गणेशाय नमः, ओम ग्लौम गम गणेशाय नमः, ठीक है। जिनको विधान के साथ करना हो उनको सुनिए क्या करना होगा। उनको एक कुम्हार के स्थान पर जाना होगा रविवार को, ठीक है, और उनको कुछ दक्षिणा देनी होगी कि आप एक गणपति की मूर्ति बना के रखिए जिसको मैं मंगलवार को लेके जाऊंगा। मंगलवार को आपको कच्ची मूर्ति, मतलब देखो कुम्हार जब बनाता है ना तो वो अपने चाक पे बनाता है, जो हॉलो मूर्तियां होती हैं, वैसे खाली मूर्ति हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि मिट्टी की वो मूर्ति बिल्कुल बना के हमें दे, जो अंदर से खोखली ना हो। और वो कच्ची मूर्ति जब वो बनाएगा तो आपको वहाँ रहना है, तो मंगलवार को आप जाएंगे और वो मूर्ति बनाता रहेगा, और जब वो मूर्ति बनाता रहेगा तो आपको निरंतर इस मंत्र का जाप करना और साथ में उसका भी हाथ बटाना है जब वो मूर्ति बनाए, ठीक है। तो ये आप जब जाप कर लेंगे उसके बाद उनको मंगलवार को अपने घर पर ले आएंगे, एक पीले कपड़े पर उनको स्थापित करेंगे, ठीक है।
घी का दीपक जलाएंगे। अगर 5 दीपक जला सकते हैं 7 दिन के लिए तो बहुत उत्तम रहेगा। तो पंच दीपक जलाएंगे, 5 अलग अलग दीपक, ठीक है। उसके बाद अलग अलग रूप का आप जो है इत्र और गंध गणेश भगवान को अर्पित करेंगे, अलग अलग पुष्प अर्पित करेंगे। गणपति एक ऐसे देवता है जिनको हर रंग हर वर्ण का फूल अर्पित कर सकते हैं, अलग अलग तरह का फूल अर्पित करेंगे, अलग अलग रूप के नवेद अर्पित करेंगे, अलग अलग रूप के चंदन अर्पित करेंगे, अलग अलग सुगंध के चंदन अर्पित करेंगे हम, ठीक है। और अंत में जल देंगे। तो जो भी पंच पूजा का जो विधान है वो हम पूरा कर लेंगे। और उसके बाद तीनों संध्या के समय, मतलब सुबह दोपहर और शाम या रात जो माने आप, तीनों समय 1-1 हजार जाप करना चाहिए इस मंत्र का, ठीक है। तो जब 7 दिन आप 1-1 हजार जाप कर लेंगे तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और जीवन में शांति आ जाएगी। उसके बाद तीनों संध्या 108-108 जाप करना है, ठीक है, 1 महीने तक, तो उत्तम बुद्धि और लक्ष्मी का आवागमन शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर जो बाकी 6 महीने जाप आप करेंगे वो एक संध्या मतलब सुबह के समय में 108 बार जाप करेंगे। जिनके पास समय है वो फिर भी तीनों संध्या के समय में जाप करें। ऐसा करने से ऐसा माना जाता है कि गणपति की कृपा से उत्तम धन लाभ होता है, मतलब ऐसा धन लाभ जो आपने कभी सोचा ना हो, इतना धन लाभ होता है। गणपति की पूजा से बहुत तरह का लाभ है। जैसे हम लोग गणपति की पूजा के विषय में बहुत नहीं जानते, हम लोग को लगता है कि ओम वक्रतुंडाय हुम फट कर देने से या शुरुआत में ओम गणनंतः गणपति गम हवामहे मंत्र बोल लेने से हमारा यज्ञ अच्छा चलेगा। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड ने गणपति के बारे में हमसे ज़्यादा अच्छा रिसर्च कर रखा है और गणपति को वो प्रमुख तांत्रिक देवता के रूप में जानते हैं। जैसे हमारे मंदिर, आप भैरव बाबा के मंदिर भी आइएगा तो शुरुआत में गणपति से भेंट होगा, महावीर से भेंट होगा, चामुंडा से भेंट होगा, फिर भगवती काली से भेंट होगा, तब तारा बगलामुखी से, तब भैरव बाबा से भेंट होता है, ठीक है ना। तो गणपति के बिना तंत्र नहीं चलता है, कोई भी तांत्रिक जो क्रिया है वो गणपति के बदले नहीं चलती है। मैंने पहले भी आप लोगों को गणपति लक्ष्मी मंत्र दिया था। गणपति लक्ष्मी मंत्र भी माना जाता है कि तंत्रोक्तर विधि में अचूक उपाय है धन प्राप्ति का। तो इस मंत्र को आप लोग करो। इसमें बस एक ही थोड़ा सा ट्रेचरस है कि आपको कुम्हार के पास बैठ करके ये मूर्ति बनाना होगा। सोमवार रविवार को आप धन देंगे और मंगल को आप मूर्ति लेने जाएंगे, मूर्ति स्थापना करेंगे सुबह में ही और उसका दिन भर पूजा करेंगे। इतना ही। जिनको साधना का शुरुआती विधान सीखना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। इसमें जो भी साधक को जो चीज़ें जाननी चाहिए गुरु मंत्र लेने से पहले वो हम आप लोगों को सिखा देते हैं। मेरे द्वारा लिखे गए लेख और लोगों के द्वारा लिखे गए लेख उनको पढ़ना है तो www.agotantrahasya पर जाइए। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है, उसमें root.nath@cm4 सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उस पर आप मुझसे बात करें। गणपति आप सभी को धनाढ्य बनाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।